तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। आज आरजेडी की ओर से बिहार बंद बुलाया गया। बिहार बंद के नाम पर अलग अलग जिले से तस्वीर आई है, वो तस्वीर जो आम लोगों के दिल में भय पैदा करती है। अब हम आपको भागलपुर का वो दृश्य दिखाते हैं जहां बंद के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर गुंडागर्दी, सड़क पर आती जाती सभी गाड़ियों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गरीब ऑटो वाले तक को नहीं छोड़ा। नवादा से आई तस्वीरें दंगे का एहसास करा रही हैं। जगह जगह जलते टायरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये नवादा नहीं कश्मीर की कोई जगह हो। नवादा के बुंदेलखंड में उपद्रवियों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें बिहार बंद की आड़ में गुंडागर्दी की कहानी बता रही है। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। हाजीपुर में हाईवे से प्रदर्शन की अलग तस्वीरें देखने को मिली। लोग जानवरों को सड़क पर ले आए और रोड जाम कर दिए। हाजीपुर में बंद में शामिल आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाकर गाड़ियां रुकवा दी और सड़क पर बैठकर सीएए की वापसी की मांग करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर भारी संख्या में पुरुष और महिला बल की तैनाती की गई। बंद में शामिल लोगों को संभालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिवान में बंद समर्थकों ने जेपी चौक पर पुलिस कप्तान की गाड़ी को रोका। एसपी की गाड़ी को लगभग 15 मिनट तक रोककर जाम कर नारेबाजी की गई। अंत में एसपी नवीन चंद्र झा को गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, बंद का आयोजन प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया गया है और पूर्व में भी जो इन्होंने आयोजन किया था वो हमेशा शांति से ही रहा है और मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट लगभग समाप्त पर है पूरा प्रदर्शन और अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार के अशांति की खबर नहीं है पूरे जिला में। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोग पहले शांति से किए हैं आज भी करेंगे। कुछ लोगों द्वारा गुलाब का फूल देकर आपका स्वागत किया गया सर, सभी पुलिस वो उनका अपना वो सौजन्य था, उसके बारे में अच्छी बात है। गया में प्रदर्शन कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लकड़ी रखकर उनमें आग लगा दी। वहीं आरजेडी के बिहार बंद से बसों के पहिए भी थम गए। पुलिस ने बिहार बंद को शांतिपूर्ण बताया। सीएए और एनआरसी के विरोध में राजद के बिहार बंद का असर आज खगड़िया में देखा जा रहा है। बंद समर्थकों ने खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक को जाम कर दिया है, जिससे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन समेत एक जोड़ी ट्रेन स्टेशन पर रुक गई है। बंद समर्थकों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन किया। बंद के संबंध में जिन लोगों ने बंद का आयोजन किया है उनसे भी बात की है, उन लोगों ने निर्देशित कर दिया गया है। अपेक्षा की गई है कि जो भी लोकतांत्रिक तौर तरीके हैं अपने विरोध दर्ज कराने के, उन तरीकों के अधीन ही वो लोग रहेंगे और किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था या हिंसा नहीं। 21 दिसंबर को बिहार बंद के दौरान सभी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों को फूल देते नजर आए तो कहीं उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।